पीएम मोदी ने जब से केंद्र में सत्ता संभाली है तब से हर महीने उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संदेश देने और देश के लोगों के साथ जुड़ने का जो सफर शुरू किया उसके 9 साल अब हो चुके हैं। और पिछले 9 सालों में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में देश पर क्या असर डाला, देश की प्रगति में कितना योगदान दिया है, इस पर SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IIM बेंगलुरु ने एक शोध किया और मन की बात कार्यक्रम के 105 एपिसोड के प्रभाव का विश्लेषण किया है। इस अध्ययन में ये पाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के इस अनूठे प्रयास ने बहुत ही प्रभावशाली असर डाला है। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए जिस तरह से बार बार सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हैं उससे लोगों के जहन में उसके प्रति रुचि पैदा हुई है और इसकी वजह से तमाम योजनाओं को लागू करने से लेकर लोगों तक लाभ पहुंचाने में और जागरूकता पहुंचाने में सरकार सफल रही है। और अब हम आपको बताते हैं कि SBI और IIM बेंगलुरु के अध्ययन में मुख्य रूप से मिला क्या है, क्या पाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को मिली उड़ान। जनवरी 2015 में ये योजना लॉन्च हुई और इस योजना के लॉन्च होने के बाद उसी महीने में पीएम मोदी ने योजना का जिक्र किया, जिसके बाद गूगल पर इस योजना को सर्च किया गया और सर्च करने की रफ्तार बढ़ी और लगातार गूगल सर्च में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की लोकप्रियता हासिल होती रही, क्योंकि अगले 2 साल तक पीएम मोदी इस योजना का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में करते रहे। सुकन्या समृद्धि योजना की सफलता बच्चियों के लिए जारी सरकार की बचत जमा योजना भी हिट हो गई। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में ही शामिल की गई थी। मन की बात कार्यक्रम ने बड़ा असर डाला और इस बचत योजना को सफल बना दिया। योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बना दिया गया, ये शब्द जो अनंत काल से चला रहा है। दिसंबर 2014 में मन की बात के बाद गूगल सर्च में गजब की लोकप्रियता हासिल की गई, लेकिन मई और जून 2015 में मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया तो गूगल सर्च में योग की लोकप्रियता को जैसे पंख लग गए और इसके बाद पीएम मोदी ने अमूमन जितनी बार योग का जिक्र किया मन की बात में तब तक गूगल में योग पर सर्च का ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखा। खादी को ग्लोबल पहचान दिलाई, आजादी की लड़ाई के दौरान खादी को काफी लोकप्रियता मिली, लेकिन बदलते समय के साथ ये अपनी लोकप्रियता खोती जा रही थी। मन की बात के साथ खादी को एक बार फिर काफी लोकप्रियता मिली, साथ ही बिक्री में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई और तो और खादी का सोशल मीडिया क्रेज भी बढ़ा। मुद्रा लोन की योजना का हम जिक्र करेंगे, इसका क्रेज कैसे बढ़ा वो बताते हैं। मुद्रा लोन के लिए एप्लीकेशन सर्च करने का ग्राफ गूगल सर्च इंजन पर तब तेजी से बढ़ा था जब नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मुद्रा लोन का जिक्र किया था, लेकिन इसे सबसे ज्यादा लोकप्रियता COVID-19 की शुरुआत के साथ मिली जो अब तक जारी है। दुनिया ने मिलेट्स की खूबियों को जाना। साल 2022 तक मिलेट्स के बारे में गूगल पर ना के बराबर सर्च होते थे। हम ये कह सकते हैं कि लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन मन की बात में जब पीएम मोदी ने मिलेट्स के फायदे गिनाए, स्वास्थ्य के बारे में बातें की, इसके बारे में अचानक सर्च किया जाने लगा और इतना ज्यादा सर्च किया गया कि इसमें करीब 56 गुना की बढ़ोतरी देखी गई। और पीएम मोदी ने 2022 के बाद 2023 में भी मन की बात कार्यक्रम में मिलेट्स का जिक्र किया और अभी भी मिलेट्स पर लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। पीएम स्वनिधि योजना फरवरी 2020 में इसके बारे में पीएम मोदी ने मन की बात में इस योजना के बारे में बताया, लोकप्रियता हासिल की, कोविड का डर कम करने में सफलता। COVID-19 के बारे में पीएम ने मन की बात में लगातार लोगों से बातचीत की और दुनिया भर के औसत कोविड पैनिक इंडेक्स 2020 और 2022 में भारत सबसे कम कोरोना वाले देशों में एक था। स्वामी विवेकानंद के बारे में उत्सुकता बढ़ी। अध्याय में ये भी देखा गया कि मन की बात एपिसोड में स्वामी विवेकानंद का उल्लेख होने के बाद उनके बारे में औसत खोजों में 25% की बढ़त दर्ज की गई। स्टैचू ऑफ यूनिटी की लोकप्रियता बढ़ी। मन की बात कार्यक्रम में स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बात करने के बाद अक्टूबर 2018 से इसके सर्च में तेजी देखी गई।